पिछले चौक पर दोस्त तेल नहीं था, किसी तरह इस चौक पर पहुँचे हैं और अब और ये बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं और इस एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद नवसाद, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल MN पोल्ट्री एंड ब्लॉग्स में। दोस्त मैं ये मेरा तीसरा ब्लॉग है और पिछले दो ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इसी तरह आप लोग प्यार बरकरार रखें, सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्त आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त मैं अभी जा रहा हूँ अपने ब्लॉक प्रखंड और मुझे वहाँ कुछ काम है और मुझे वहाँ से कुछ रजिस्टर ऑफिस से लेनी है, बाल विकास परियोजना ऑफिस से। तो सोचा मैं दोस्त कि मैं जिस रास्ते से जाऊँगा उस रास्ते का पूरा व्यू आपको दिखाते जाऊँ, और कुछ ऐसे व्यू है जो आप पहली बार देखेंगे मेरे साथ। तो दोस्त आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको अच्छी लगे तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह का आपको मैं व्यू दिखाता रहूँगा अपने इस चैनल पे। दोस्त आइए आपको दिखाते हैं, ये लास्ट चकला गांव का व्यू है, देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको पुरियानी होते हुए, उलास होते हुए, ठक्कन चौक होते हुए, आपको गद्दी होते हुए, आपको राघोपुर, सिमराई और गणपत रज का पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा। अब हम बढ़ रहे हैं पुरियानी की ओर और पुरियानी में पहुंच चुके हैं। अब ये देख सकते हैं रोड पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, और इस चीज़ का सभी को ध्यान रखना चाहिए कि रोड को साफ़ रखना चाहिए। और पानी भी लगी हुई है क्योंकि बारिश हुई है आज। और ये आपको छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा। और चाची कैसे हैं, और चाची साइड हो जाइए। और ये बच्चे रोड पे आ रहे हैं। अगर ये रोड मुखिया के हाथ में होता तो ये रोड अभी तक बन चुका होता, क्योंकि ये बिहार सरकार के हाथ में है और क्योंकि ये रोड किसी NH या स्टेट हाईवे से जुड़ी हुई है। अब हम उड़ रहे हैं उलास की ओर और उलास की ओर बढ़ रहे हैं। और ये देख रहे हैं आमबाड़ी है, बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और ये हम उलास में, उलास के ब्राह्मण टोला में प्रवेश कर चुके हैं और पहला घर है ये ब्राह्मण टोला का। और ब्राह्मण टोला में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होती है, ये देख पा रहे हैं कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। और ये आज क्योंकि आज बारिश हुई इसलिए कहीं कहीं कुछ पानी लगा हुआ है रोड पे, दिख रहा होगा आपको वीडियो में। और ये देखिए कितनी खूबसूरत घर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये घर और लंबा भी है। और ये सिलेंडर वाले भैया बहुत दिनों बाद नज़र आए हैं, क्योंकि गैस की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत सारे लोग गैस लेना बंद कर दिए हैं। और ये हुलास पंचायत का ब्राह्मण टोला है। अब साफ़ सफाई के मामले में ये टोला बहुत आगे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, एजुकेटेड होते हैं लोग। आप रोड पे देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रेकर लगे हुए हैं, ब्रेकर इसलिए लगाया गया है, बहुत पहले ये ब्रेकर नहीं था। ट्रैक्टर वाले जो आते हैं बहुत स्पीड से निकालते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है, इसलिए ब्रेकर लगा दिया गया है। आप ये भी ब्रेकर, और ये देख रहे हैं आप नहर कैनल जिसको बोलते हैं, इससे पानी बहुत ज़्यादा भी है, बारिश का मौसम भी है। और इसके बगल में आपको ये तालाब भी दिख जाएगा, तालाब भी पूरा भरा हुआ है, इसमें मछली भी है। और ये नज़ारा कितनी सुंदर नज़ारा है, ये देख सकते हैं। और ये अब बढ़ रहे हैं बखवाई की ओर, और ये बखवाई है बुच्चर टोला, और ये हारून मीट हाउस, इसके बगल पीछे आप मस्जिद देख पा रहे हैं, और ये कुछ खाली जगह है। अब हम पहुंच रहे हैं महावीर ठक्कन चौक लास, इसी चौक से हम लोग रोज़मर्रा के सामान मंगाया करते हैं, कुछ ज़रूरी सामान। और ये देख पा रहे हैं ये महावीर ठक्कन चौक है, और ये मेडिकल, और ये छोटे छोटे दुकानदार। अब हम आगे बढ़ रहे हैं राघोपुर की ओर, क्योंकि आज बारिश हुई है, बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो जाता है, इसलिए आप देख रहे हैं कि सभी लोग रोड पे निकले हुए हैं और कुछ दुकानें बंद नज़र आ रही हैं क्योंकि बारिश हुई है। और ये राधा नगर बदल के पंचायत के राधा नगर का ये मैदान है, और ये मिडिल स्कूल, अब शायद हाई स्कूल हो गए हैं, इसी मैदान पर हम लोग अक्सर क्रिकेट खेला करते हैं। और ये आगे बढ़ते हैं
और ये देखिए आपको राधा नगर का दुर्गा मंदिर आपको नज़र आ रहा है। अभी दशहरा आने वाली है तो ये मंदिर को सजाया जाएगा और यहाँ 10 दिन मेला लगती है। ओहो कितनी खूबसूरत घर है, ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत घर है, बहुत प्यारा घर है। और कुछ घर है यहाँ भी हैं, ये सब खूबसूरत घर हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे क्षेत्र के, ये बैंक ऑफ इंडिया है। इस क्षेत्र में एक ही बैंक है और इसमें काफ़ी भीड़ लगी होती है। आज बारिश की वजह से कुछ कम भीड़ है। ओहो गाड़ी का तेल ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ तेल भी नहीं है, अब मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, गाड़ी के चालू किया जा रहा, किसी तरह चौक में देखे, अब दूसरे चौक पर पहुँचे हैं और यहाँ तेल लेना है, पूछते हैं तेल है कि नहीं है। भैया बता रहे हैं कि तेल है इसलिए तेल ले रहे हैं, 1 लीटर लिए हैं पेट्रोल, अब आगे जाके टंकी पे और ले लेंगे। अब तेल लेके इसमें डाला जा रहा है, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये तेल डाल दिए हैं मिस्टर चांद जो ड्राइविंग कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं ये गद्दी का नज़ारा है, बड़ी गद्दी है, इससे पहले जहाँ चौक है पेट्रोल देख ख़त्म सकते हुई हैं छोटी आप, गद्दी बड़ी थी, ये देख गद्दी सकते हैं आप यहाँ बड़ी गद्दी है है। और ये रास्ता तो राघोपुर की ओर ये बड़ी गद्दी गद्दी है, का ये मिडिल स्कूल स्कूल है है। गद्दी का। मौसम कितना सुहाना है, और ये गद्दी और राघोपुर के बीच का ये टेंगर बाँध है, बहुत खूबसूरत बाँध है, देख सकते हैं यहाँ से। दोस्त अब हम लोग जा रहे हैं राघोपुर, राघोपुर पहुंचते ही आपको वहां का व्यू दिखाएंगे। दोस्त राघोपुर इंटर कर चुके हैं, अब हम राघोपुर के बाज़ार देख पा रहे होंगे, ये राघोपुर मेन बाज़ार है। और अभी ये राघोपुर आगे आपको दिखाते हैं, बहुत सारे दुकान भी बंद हैं बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश में तो कभी बाहर निकलते नहीं हैं, ये भीड़ भी कम नज़र आ रही है। पोस्ट ऑफिस देख सकते हैं और ये इधर रेलवे स्टेशन है। ये राघोपुर का रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक है और आप आगे देख रहे होंगे रेलवे जंक्शन है। और यहाँ ओवरब्रिज का काम चालू है। मैं आ चुका हूँ बाल विकास परियोजना राघोपुर, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ कागजात रजिस्टर लेने हैं। आप पीछे देख सकते हैं FCI का ये गोदाम है और यहाँ से चावल का उठाव रखाव, चावल गेहूँ का होता है। और इधर देख सकते हैं ये बाल विकास परियोजना राघोपुर सुपौल। तो आइए हम अंदर से रजिस्टर लेकर आते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहें। दोस्त रजिस्टर ले लिया हूं और अब चलते हैं, आपको मेन ब्लॉक जो है वो मैं आपको ब्लॉक दिखाता हूं। दोस्त ये देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉक है, गाड़ी लगी हुई है, वहाँ TPC भवन देख सकते हैं। अब हम लोग शिमला की ओर बढ़ रहे हैं और ये आपको राघोपुर का पुलिस थाना है और इसके अंदर का भी बहुत सुंदर है, बहुत सजावट बहुत अच्छी है इसके अंदर का। और ये आप बगल में देख सकते हैं ये जय राजन सिनेमा हॉल है और उसके बगल में आपको बुलेट का शोरूम देखने को मिल जाएगा और नैना डिजिटल स्टूडियो जो कि बहुत दिनों से बहुत फेमस है और इसी लाइन में है ये मनोज बुक स्टोर वगैरह, इसी दुकानदार तो बहुत फेमस है।
और बहुत दिनों से हैं। और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको ये गो 99 का आपको मॉल दिख जाएगा। हर सामान यहाँ पे आपको 99 रुपया में मिलता है। और ये ज्वेलर्स है और आप ये देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे जैसे लौटेंगे तो। और ये भूख लगी है, आते हैं कुछ खाते हैं। और बहुत ज़ोर भूख लगी है, भूख बहुत ज़ोर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी खा के ही चले थे कुछ देर पहले। और ये बहुत खूबसूरत होटल है और पूरा ये मांसाहारी है, मांसाहारी कुछ भी नहीं है। तो आइए कुछ ऑर्डर करते हैं और कुछ मंगाते हैं। तो चाट खाने के लिए आए हैं, चाट मंगवा है, आगे मिलते हैं, आगे मिलते हैं। यह है सिमराई का चौराहा, आप देख सकते हैं। इस चौराहे से यहाँ से आपको पूरे बिहार के, पूरे इंडिया में जहाँ की बस आपको चाहिए वहाँ के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। आपको जहाँ भी जाना है इस चौराहे से आपको बस हर टाइम मिल जाएगी, क्योंकि यह NH है, नेशनल हाईवे 54 है। आपको जहाँ भी जाना है यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप आए थे और उसका यहाँ का वीडियो बनाए थे। और यहाँ पे ओवर ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, इसलिए यहाँ ओवर ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राघोपुर रेलवे स्टेशन, आप देख पा रहे होंगे। ये सुपौल जिला का रेलवे राघोपुर स्टेशन है। एक जो राघोपुर है वैशाली जिला में भी है, तो वो न समझे आप, ये सुपौल जिला का राघोपुर रेलवे स्टेशन है। ये पहले छोटी लाइन हुआ करती थी, जब 2008 में बाढ़ आई थी तब से यहाँ का रेल सेवा ठप था, अब जाके ये शुरू हुई है और बड़ी लाइन ही शुरू हुई है। तो ये देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है और टिकट काउंटर अभी बंद है क्योंकि अभी कोई ट्रेन का टाइम नहीं है, इसलिए टिकट काउंटर अभी बंद है। और आप ये व्यू देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म 1 पे अभी हम लोग खड़े हैं, आगे भी देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। और ये सीधे जो देख रहे हैं ये आपको फारबिसगंज जाती है, प्रतापगंज होते हुए फारबिसगंज को जाती है ट्रेन। और इसके इस साइड जो आप व्यू देखेंगे इस साइड, और इस साइड जो जाती है ये कविता होते हुए सुपौल होते हुए सहरसा जाती है, और इधर से निर्मली भी जाती है ट्रेन, निर्मली होते हुए और निर्मली से दरभंगा भी जाती है ट्रेन। और अब ये देख रहे हैं राघोपुर रेलवे स्टेशन, बहुत अच्छा व्यू है क्योंकि अभी स्टेशन पर कोई नहीं है, एक दो बच्चे नज़र आ रहे हैं। और ये मिस्टर चांद, और देख रहे हैं पूरा स्टेशन अभी खाली है क्योंकि ट्रेन का टाइम नहीं है, इसलिए पूरा स्टेशन अभी खाली है। अब कुछ देर में ट्रेन आएगी, आने का समय होगा तब यात्री आएंगे। दोस्त ये देख सकते हैं गणपतगंज का, ये विष्णु धाम मंदिर है, इसका निर्माण गणपतगंज के ही जयप्रकाश मल्लिक के सुपुत्र पीके मल्लिक द्वारा किया गया है। ये बताया जाता है कि करोड़ों की लागत से ये मंदिर बनी है। इसका निर्माण 2009 में शुरू की गई थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। इस मंदिर का कंप्लीजन जो है चेन्नई के विष्णु धाम मंदिर से की जाती है, क्योंकि चेन्नई के विष्णु धाम मंदिर के ही पुजारी इस मंदिर में पूजा करवाते हैं। और इसमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है, उसकी भी पूजा की जाती है। और इस मंदिर को पेरुमहल, वृद्धराज पेरुमहल के नाम से भी जाना जाता है। अभी देख सकते हैं अभी ये मंदिर बंद है, 3 बजे ही खुलेंगे, अभी तो 2 बज रहे हैं। और ये सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड के गणपतगंज में स्थित है और ये बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं और इस एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, देख सकते हैं। और अभी मंदिर खुली रहती तो मैं आपको अंदर जाके अंदर का व्यू दिखाता, बहुत बड़ी मंदिर है।
अब हम लोग गणपतगंज की ओर बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये व्यू देख रहे हैं, गणपतगंज टोला है और ये गणपतगंज का मेन रोड है और इस पर आप गड्ढे नज़र आ रहे हैं, बारिश भी हुई है और इस रोड का निर्माण अभी चालू है इसलिए गड्ढे नज़र आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये गणपतगंज का मेन मार्केट है और यहाँ रोड का हालत बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं बहुत ख़राब है रोड का हालत, इतनी पानी लगी हुई है और यहीं रजिस्ट्री ऑफिस भी यहीं है। और ये जो रोड है ये गणपतगंज से गद्दी की ओर जाती है और आगे प्रतापगढ़ जाती है, ये गणपतगंज और गद्दी का रोड है। और इस रोड में आपको बहुत सारे चिमनी मिल जाएंगे जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये आप चिमनी देख पा रहे होंगे, ये धरहरा का चिमनी है क्योंकि धरहरा और गद्दी दोनों के बीच में चिमनी है। कुछ चिमनियाँ धरहरा में पड़ती है और कुछ गद्दी में। जो ये चिमनी देख रहे हैं आप, ये धरहरा में है और इसके आगे गद्दी है, वो गद्दी का भी मैं आपको चिमनी का व्यू दिखाऊंगा। ये चिमनी है, इसमें इसको ईंट भट्टा भी बोला जाता है, इसमें ईंट पकाया जाता है। अभी तो बरसात का टाइम है इसलिए अभी इसमें कोई ईंट नहीं है, सारी चिमनी खाली है। ये जो चिमनी आपको देख रहा है ये धुआँ निकालने का काम करता है, अगर ये नहीं रहेगा तो धुआँ जो है आपस में नज़दीक में ही फैल जाएंगे। और ये नज़ारा कितनी खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं, कितनी अच्छी धान लगी हुई है। और ये जो चिमनी आपको दिखाई दे रहा है ये गद्दी का है, ये चिमनी गद्दी में पड़ती है और यहाँ मिट्टी का काम चालू है, लगता है कोई दुकान या मकान बनेगा। और ये जो आपको पहाड़ का दिख रहा है ये मिट्टी जमा है क्योंकि अभी बरसात है, उससे पहले मिट्टी जमा कर लिया जाता है ताकि ईंट बनाने में दिक्कत ना हो, बरसात में मिट्टी नहीं मिलती है इसलिए। और ये व्यू जो देख रहे हैं आप, ये गद्दी का चिमनी का व्यू देख रहे हैं,